वेलकम फ्रेंड्स, माय फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये है आपका एनी टाइम क्लासरूम। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट का पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय फाउंडेशन क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, तो ये चला हमारा वीकली करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें आज हम लोग ले रहे हैं जून 17 से लेकर जून 24 तक के करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेसर्स HDFC बैंक लिमिटेड को अधिकतम जिस सीमा तक अतिरिक्त शेयर पूंजी बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है वह है 24,000 करोड़। यानी HDFC बैंक 24,000 करोड़ एक्स्ट्रा शेयर पूंजी बढ़ा सकती है। वह देश जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने पहले विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया वह है वियतनाम। यानी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है वो है वियतनाम। सोलर चरखा मिशन का पहला चरण जितने क्लस्टर में लॉन्च किया जाएगा वह है 50 क्लस्टर। यानी सोलर चरखा मिशन का जो पहला चरण होने वाला है उसमें टोटल 50 क्लस्टर में उसको शुरुआत किया जाएगा। WHO के मानकों के मुताबिक भारत के लिए प्रति लीटर पानी में यूरेनियम की मात्रा जितने माइक्रोग्राम तय की गई है वह 30 माइक्रोग्राम। यानी WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पानी में जो यूरेनियम कंटेंट है वो है 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। एक लीटर पानी में 30 माइक्रोग्राम यूरेनियम मिलता है, ऐसा WHO का एक रिपोर्ट के अनुसार हम बोल सकते हैं। इंग्लैंड में किया सुपर लीग में उपस्थित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर होंगी वो है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना कौन है? स्मृति मंधाना भारत की एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं और किया सुपर लीग में ये उपस्थित होने वाली पहली भारत की खिलाड़ी होंगी, क्रिकेट खिलाड़ी होंगी। स्वराज 2.1 बी वाहक रॉकेट का उपयोग करके इस देश ने सफलतापूर्वक ड्रोनस एम पोजिशनिंग उपग्रह लॉन्च किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या बोला जा रहा है इसमें? दो तीन चीज बनते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ग्लोनस एम एक उपग्रह है। किस टाइप का उपग्रह है ये? तो ये है पोजिशनिंग उपग्रह। ठीक है, तो ग्लोनस एम एक पोजिशनिंग उपग्रह है और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? इसको लॉन्च किया गया था सयाज 2.1 बी। ठीक है, सयाज 2.1 बी वाहक रॉकेट द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था और ये उपग्रह है किसका? ये उपग्रह है रूस का। तो सयाज 2.1 से प्रक्षेपित ग्लोनस एम पोजिशनिंग उपग्रह रूस का है। एक अध्ययन के अनुसार समुद्र में कचरे के लिए 10 नदियां जिम्मेदार हैं, इनमें भारत की नदी दूसरे स्थान पर है। कौन सी नदी है दूसरे स्थान पर? तो वह है गंगा। भारत की गंगा नदी दूसरे स्थान पर है। टॉप 10 नदियां जो पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं उनमें से भारत की गंगा नदी का दूसरा स्थान है। जिस नासा अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में अधिकतम समय बिताया वह है पेगी विटसन। पेगी विटसन कौन है? पेगी विटसन एक अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने अंतरिक्ष में अभी तक का सबसे अधिक समय बिताया। कौन है वो? वो है पेगी विटसन। भारतीय मूल की जिस अमेरिकी महिला को अमेरिका की सबसे बड़ी वाहन कंपनी निर्माता जनरल मोटर्स जिसको GM बोलते हैं इसका मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया वह है दिव्या सूर्य देवरा। इन्होंने हाल ही में कोलंबिया के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है वह है इवान ड्यूक। कौन है? इवान ड्यूक ने हाल ही में कोलंबिया के सबसे युवा राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इवान ड्यूक कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। मैसेडोनिया ने हाल ही में अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? तो मैसेडोनिया ने अपना नाम बदल लिया है और नाम बदलकर रख लिया है उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। क्या रखा है? उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। वह देश जिसने भारत के साथ अपने एक द्वीप पर नौसैनिक परियोजना रद्द करने की घोषणा की वह है सेशेल्स। तो सेशेल्स के साथ एक नौसैनिक परियोजना तय हुआ था भारत का जो सेशेल्स ने रद्द कर लिया। RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी
पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI हेतु निवेश की सीमा सरकारी प्रतिभूति के बचे शेयरों के 20% से बढ़ाकर जितने प्रतिशत कर दी वो है 30%। यानी अब FPI इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हो सकता है वो है 30%, जो पहले 20% हुआ करता था। बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB ने सरकारी बैंकों के जितने महाप्रबंधकों को कार्यकारी निदेशक बनाने की सिफारिश की है वो है 22। यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो के अनुसार ऐसा कहा गया है कि सरकारी बैंकों में टोटल ऐसे 22 सरकारी बैंक हैं जिसके महाप्रबंधकों को उसका कार्यकारी निदेशक बनाया जाए। वह देश जो एंटी डोपिंग पर 2018 एशिया और ओशनिया क्षेत्र के अंतर सरकारी मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है वो है श्रीलंका। यानी एंटी डोपिंग 2018 पर जो मेजबानी करेगा वो है श्रीलंका, जिस देश ने जैसे का तैसा की तर्ज पर 50 अरब डॉलर की अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ को लागू किया है वो है चीन। यानी चीन ने जैसे को तैसा मुहावरा का यूज किया है और 50 अरब डॉलर की अमेरिकी उत्पादकों पर अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया, जैसे कि अमेरिका ने भी किया था। जिस सरकार ने भारत में कैंसर के सस्ते उपचार और मरीजों की देखभाल के लिए कैंसर केयर फाउंडेशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया वो है असम सरकार। यानी कैंसर से रिलेटेड पहल करके और उसके लिए कैंसर केयर फाउंडेशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पहला राज्य है असम। जिस शहर में DPWD और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत कृत्रिम अंगों के उत्पादन की एक नई इकाई स्थापित की गई है वह है फरीदाबाद। यानी कृत्रिम अंगों के उत्पादन की एक नई इकाई कहाँ स्थापित की गई है? वो की गई है फरीदाबाद में। वह राज्य सरकार जिसने व्यवसाय को सरल बनाने के उद्देश्य से बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया है वह है पंजाब सरकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजनेस फर्स्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। केंद्रीय मंत्री कर्नल राजवर्धन राठौर ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता लिंबाराम के लिए जितने लाख रुपए की विशेष वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है वो है 5 लाख। तो लिंबाराम कौन है? लिंबाराम पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता है। कौन है ये? लिंबाराम। इनके लिए विशेष सहायता पैकेज मंजूरी दी गई है वो है 5 लाख की। जिस मंत्री ने नया रायपुर छत्तीसगढ़ में देश के 10वें स्मार्ट सिटी एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर छत्तीसगढ़ में देश के 10वें स्मार्ट सिटी एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। जिस राज्य सरकार ने राज्य में जनजातीय समुदाय हेतु आर्थिक सहयोग और कल्याण को बढ़ाने के लिए कनाडा के क्यूबेक प्रांत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है वह है महाराष्ट्र सरकार। जिस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में पत्रकारों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की वह है गूगल। यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत का किसके साथ टाइप हुआ है? वो हुआ है गूगल के साथ। श्रीलंकाई कप्तान दिनेश सांडेमल को ICC ने विंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में गेंद की दशा बदलने का दोषी पाए जाने पर जितने टेस्ट मैच के लिए बैन कर दिया वो है 1। यानी श्रीलंकाई कप्तान दिनेश सांडेमल को एक टेस्ट मैच के लिए बैन कर दिया गया है। और कारण क्या था? कारण ये था उन्होंने गेंद की दशा बदली थी। जिस राज्य सरकार ने तय किया है कि वह स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को हर 6 महीने पर 3 साल तक प्रत्येक पेड़ लगाने के लिए 50 रुपये का भुगतान करेगी वह हरियाणा सरकार। तो एनवायरनमेंट के प्रति एक अच्छा पहल है। तो हरियाणा सरकार ने एक पहल किया है कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक पेड़ लगाने के लिए 50 रुपये अनुदान दिए जाएंगे। वह मंत्रालय जिसने हाल ही में राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया है वह है मानव संसाधन मंत्रालय। तो मानव संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया। वह देश जिसने हाल ही में स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा की है वह है अमेरिका। यानी अमेरिका अब स्पेस फोर्स बनाने जा रहा है। वह देश जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की वह है अमेरिका।
यानी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को छोड़ने का फैसला बना रहा है। फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता? ये जीता है अनुकृति वास ने। तो किसने जीता फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब? फेमिना मिस इंडिया 2018 कौन है अभी? यह है अनुकृति वास। अनुकृति वास ने फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब जीता। क्या है नाम? इनका नाम है अनुकृति वास। अनुकृति वास ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और ये अभी है फेमिना मिस इंडिया 2018, जिसे ICICI बैंक के मुख्य संचालन अधिकारी यानी COO के रूप में जून 2018 में नियुक्त किया गया, वो है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी कौन है? संदीप बख्शी ICICI बैंक के मुख्य संचालन अधिकारी हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने बाढ़ की भविष्यवाणी हेतु जिस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है वह है गूगल। तो गूगल और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय का एक टाइप हुआ है किस क्षेत्र में? तो बाढ़ की भविष्यवाणी हेतु। मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया वह है अरविंद सुब्रमण्यम। तो अरविंद सुब्रमण्यम हमारे आर्थिक सलाहकार थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया है। ऑडी के CEO का नाम जिन्हें बर्लिन पुलिस से धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है वह है रूपर्ट स्टेडलर। रूपर्ट स्टेडलर कौन है? तो रूपर्ट स्टेडलर ऑडी के CEO थे। इनको हाल ही में सीईओ थे नहीं सीईओ हैं इनको हाल ही में बर्लिन पुलिस से धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बन जाता है कि ऑडी के CEO का नाम क्या है। ऑडी के CEO का नाम है रूपर्ट स्टेडलर। रूपर्ट स्टेडलर वह राज्य जहाँ गठबंधन सरकार के टूटने से राज्यपाल शासन लगाया गया है वह है जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 19 जून। 19 जून को हम लोग राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस मनाते हैं। त्रिसेवा इंद्र 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जिस देश के बीच होगा वह है रूस। यानी इंद्र इंद्र अभ्यास किसके बीच में होता है? ये होता है भारत और रूस के बीच में। नेरेला वेणु माधव। नेरेला में वेणु माधव का हाल ही में निधन हो गया। वे जिस क्षेत्र से संबंधित थे वो था मिमिक्री। तो नेरेला वेणु माधव ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे मिमिक्री से। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नई डिजिटल पहल भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी जिस IIT संस्थान के द्वारा विकसित किया गया वो है IIT खड़गपुर। अभी अभी हम लोगों ने देखा था 19 जून जिस दिन को हम लोग पठन पाठन दिवस मनाते हैं उस दिन को डिजिटल लाइब्रेरी को मानव संसाधन मंत्रालय ने लॉन्च किया। आपको ये बताना है कि डिजिटल लाइब्रेरी किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये IIT खड़गपुर के द्वारा बनाया गया है। पुणे की आर्थिक अपराध शाखा ने इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO को DSK ग्रुप को दिए गए 3,000 करोड़ रुपए के मामले में गिरफ्तार किया है वह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजिंग डायरेक्टर को पुणे की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने DSK ग्रुप को 3,000 करोड़ लोन दिया था। उड़ान योजना के तहत यह हवाई अड्डा देश का 100वां नियमित सेवा वाला हवाई अड्डा होगा वो है पाकयोंग। तो पाकयोंग देश का 100वां नियमित सेवा हवाई अड्डा होगा। किस योजना के तहत? तो उड़ान योजना के तहत। वह देश जिसने हाल ही में भारत के साथ सतत जल विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने हेतु सहमति व्यक्त की है वह है तजाकिस्तान। तो भारत और तजाकिस्तान दोनों देश मिलकर जल विकास के क्षेत्र में सहयोग करना चाहते हैं। वह राज्य जिसने हाल ही में गौवों को स्टार रैंकिंग दिए जाने की घोषणा की है वो है हरियाणा। हरियाणा अब गौवों को स्टार रैंकिंग देगा। वह देश जिसके पास स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री SIPRI द्वारा सबसे अधिक परमाणु हथियार बताए गए वो है रूस। यानी सिप्री ने एक रैंक जारी किया जिसमें ये बताया कि सबसे अधिक परमाणु हथियार किसके पास हैं। तो वो सिप्री के अनुसार यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रैंक के अनुसार सबसे अधिक परमाणु हथियार रूस के पास है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रकार के लोगों को उनके बच्चों से अलग किए जाने की पॉलिसी की विश्व भर के दबाव के चलते
बदलने का निर्णय लिया है, वो है अवैध प्रवासी। यानी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक नया पॉलिसी लाया गया था जिसके तहत उन बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग कर दिया जाएगा जो अवैध प्रवासी हैं। लेकिन विश्व भर में इसकी आलोचना हुई और उन पर प्रेशर बढ़ा, जिसके कारण से उनको ये योजना रद्द करना पड़ा और ये पॉलिसी को खत्म करना पड़ा। जिस राज्य सरकार ने ऑस्कर विजेता संगीतकार A.R. रहमान को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, वो है सिक्किम सरकार। यानी सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर है A.R. रहमान। गुजरात सरकार ने गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को परेशान या अवैध रूप से आकर्षित करने वालों के लिए जितने साल तक की सजा निर्धारित की है, वो है 7 साल। यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान में अगर कोई शेर को परेशान करता है या अवैध रूप से आकर्षित करने का कोशिश करता है, कुछ खाने को देकर या कुछ भी ऐसा करके, तो उनको 7 साल तक का सजा हो सकता है। वह शहर जो 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया, वह है शिलोंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100वां स्मार्ट सिटी कौन चुना गया? वो चुना गया है शिलोंग। योग के प्रोत्साहन और विकास में असाधारण योगदान हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में वर्ष 2018 का प्रधानमंत्री पुरस्कार जिसे प्रदान किया गया, वह है विश्वास मांडलिक। तो विश्वास मांडलिक कौन है? विश्वास मांडलिक को योग के प्रोत्साहन और विकास में असाधारण योगदान हेतु व्यक्तिगत श्रेणी का वर्ष 2018 का प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व रेफ्यूजी डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ये मनाते हैं 20 जून को। 19 जून को हम लोगों ने क्या मनाया था? उस दिन 19 जून को हम लोगों ने मनाया पठन पाठन दिवस, राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस। और 20 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। जिस राज्य सरकार ने राज्य भर में हरित कवर बढ़ाने हेतु स्मार्टफोन एप्लीकेशन आई हरियाली लॉन्च किया है, वह है पंजाब सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई हरियाली एक एप्लीकेशन है, मोबाइल स्मार्टफोन एप्लीकेशन है। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आई हरियाली क्या है? तो आई हरियाली एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है, ऐप है। किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। पंजाब ने लॉन्च किया है, क्यों किया है? हरित कवर को बढ़ाने के लिए, यानी ग्रीनरी बढ़ाने के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन जिसका नाम है आई हरियाली। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड जिस देश की टीम के नाम है, वह है इंग्लैंड। यानी वनडे मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किस देश के पास है? वह है इंग्लैंड। वर्ष 2018 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही समय में एक ही स्थान पर योग करने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए इस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वह है कोटा। यानी कोटा में एक ही समय में एक ही जगह बहुत सारे लोगों ने योग किया, जिसके कारण इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल हो गया। वो कौन है? वो शहर है कोटा। वह राज्य जिसने हाल ही में अपशिष्ट जल को ट्रीट करके पानी पीने लायक बनाने की घोषणा की है, वह है दिल्ली। दिल्ली में आपको पता है दिल्ली में पानी का बहुत प्रॉब्लम है, तो अपशिष्ट जल को ट्रीट करके पीने लायक बनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो दिल्ली के द्वारा। वह राज्य जहां विश्व का पहला मानवतावादी फॉरेंसिक केंद्र आरंभ हुआ, वह है गुजरात। यानी मानवतावादी फॉरेंसिक केंद्र कहां स्टार्ट हुआ? ये हुआ है गुजरात में। भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने हाल ही में इस ग्रह के आकार के एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है, वह है शनि। यानी शनि ग्रह की तरह भारतीय वैज्ञानिकों ने एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। जिस हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिवर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग के अलावा सभी वाटर स्पोर्ट्स के नियमन को लेकर 2 हफ्ते में नीति बनाने का निर्देश दिया है और नीति निर्धारण तक राज्य में इन पर रोक लगा दी है, वो है उत्तराखंड हाईकोर्ट। तो क्या कहा गया? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऐसा निर्देश जारी किया है कि राज्य सरकार 2 हफ्ते के अंदर जो भी वाटर स्पोर्ट्स हैं उन सब पे एक नीति बनाए और उस नीति बनाने तक सभी जो वाटर स्पोर्ट्स हैं उसको बैन कर दिया गया उस राज्य में, यानी उत्तराखंड में। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने SBI के MD बी श्रीराम को जिस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के CEO एवं MD के रूप में 3 महीने के लिए अस्थायी तौर पर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, वो है IDBI बैंक। यानी बी श्रीराम ये हैं SBI के MD और इनको अस्थायी तौर पर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है CEO और MD का। किस बैंक का?
तो IDBI बैंक का, ठीक है। तो ये था जून 17 से लेकर जून 24 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। आप ऐसे वीडियो को देखते रहो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।